गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू द सनबीम स्कूल सुल्तानपुर। ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट एफपीटीपी यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या था, जिसको मेजोरिटी में वोट मिलते थे वो वॉन हो जाता है, वो विजेता घोषित कर दिया जाता था। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है, ये उससे बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी एक कंट्री है उसमें वोटिंग डालनी है, तो इसमें कैंडिडेट्स को वोट नहीं दिया जाता लाइक एफपीटीपी की तरह, किसी कैंडिडेट को ना वोट देकर यहाँ पे पार्टी को वोट दिया जाता है। और उसके लिए भी पहले से ही कोटा होता है, जो सीट्स होती हैं फिक्स होती हैं। और उसमें क्या जाता है, और जो कैंडिडेट्स होते हैं, नॉमिनीज होते हैं, उनका पहले से प्रिफरेंस लिस्ट दे दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट चूज किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्शन से पहले ही बता दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट चूज किए जाते हैं। और इन दिस सिस्टम पार्टी गेट्स द सम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एट इस प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। और उसी जिस माने जितने भी उसको वोट उसको मिलती है सीट, उतनी मिलती है जितने उसको वोट मिलते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसराइल है। इसराइल में क्या कराया गया है, इसराइल को फुल कंट्री को ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना गया है। इंडिया है, इंडिया को अलग अलग पार्ट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया गया है, बिकॉज इंडिया पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। लेकिन इसराइल में फुल कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना गया है। अब इसमें क्या है, इसमें कोई कैंडिडेट्स नहीं खड़ा होता, इसमें पार्टीज है। मान लीजिए फोर पार्टीज हैं, और फोर पार्टीज खड़ी हैं, जो वहां के सिटीजन है वो इन पार्टीज के लिए वोट देंगे। अब उसमें से एक पार्टी को तो मिल गए 35%, एक को मिले ओनली 25%, और सी को मिल गए 14%, और डी को मिले यहाँ 10%। अब ए को जो 35% वोट मिले हैं अकॉर्डिंग टू एफपीटीपी, थर्ड ये वन हो गया, ये जीता हुआ माना गया, इसके मेजोरिटी और इन सबके वोट क्या हो गए, वेस्ट हो गए। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अगर 35% ए को मिले हैं तो ए को इस 35% के अकॉर्डिंग सीट दे दी जाएंगी, बी को 14% के अकॉर्डिंग सीट दे दी जाएंगी गवर्नमेंट पे, और सी को 25% के अकॉर्डिंग, और 10 को इसके अकॉर्डिंग। यानी जिसको जितने वोट मिलेंगे टोटल में से, उस टोटल के अकॉर्डिंग उनको वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में या वहां की गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन में उनको उतनी सीट दे दी जाएगी। इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड पीआर सिस्टम। इंडिया में भी पीआर सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। अब आप कहेंगे पीआर सिस्टम, पहले तो मैंने बताया आपको कि एफपीटीपी सिस्टम है इंडिया में, तो ये पीआर सिस्टम कैसे आया, ऑन अ लिमिटेड, नेक्स्ट है ऑन अ लिमिटेड स्केल में दिया गया है। ठीक है, फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, पहले जो हमने बताया एफपीटीपी कहाँ हम अडॉप्ट किया गया, डायरेक्ट इलेक्शन में, लेकिन जो पीआर सिस्टम है वो कहाँ अडॉप्ट किया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन में। द कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रिस्क्राइब अ थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ द पीआर सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, एंड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्शन में पीआर सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इसराइल। हम इसराइल के एग्जांपल से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अच्छी तरह समझेंगे, और उसके बाद हम हाउ डज द पीआर वर्क इन राज्यसभा इलेक्शन, और पीआर सिस्टम राज्यसभा में कैसे वर्क करता है इसको भी समझेंगे। नाउ फर्स्टली वी डिस्कस कंपैरिजन ऑफ एफपीटीपी एंड पीआर ऑफ इलेक्शन। उससे पहले हम एफपीटीपी और पीआर इलेक्शन के कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड जियोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट। एक किसी कंट्री को क्या छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है या जियोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड सेकेंड, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए 4 या 5 बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, लेकिन उनमें से जिसको मेजोरिटी में वोट मिलता है
वो जीत जाते हैं, यानी एक ही रिप्रेजेंटेटिव चूज होता है। वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट, यहाँ पे क्या होता है, वोटर्स किसके लिए वोट देते हैं, कैंडिडेट्स के लिए वोट देते हैं, पार्टी के लिए वोट नहीं देते हैं। अब पार्टी बिकॉज इसमें तो कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सकता है तो लोग उसी के लिए वोट देंगे, इसमें ये नहीं होता कि आपको एक पार्टी से जुड़ना, इंडिपेंडेंटली भी आप खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अ पार्टी मे गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर, और जो जिसको जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो क्या बनाती, वही गवर्नमेंट बनाती है। कैंडिडेट्स हु गिव विंस द इलेक्शन मे नॉट गिव मेजोरिटी, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारी यूके और इंडिया ही है। एंड प्रोपोर्शनल सिस्टम में क्या है, लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज आर डेमोक्रेटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जो लार्ज एरियाज हैं जैसे मैंने इजराइल का आपको एग्जाम्पल दिया था, वहां फुल कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना गया है। द एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में इलेक्ट फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बिकॉज मान लीजिए मैंने बताया कि वहां पे एक ही पूरी कंट्री का एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो जो पार्टी मेजोरिटी में उसी का जो लीडर होगा वही रिप्रेजेंटेटिव। वोटर्स वोट फॉर द पार्टी, जो वोटर्स होते हैं वो किसके लिए वोट करते हैं, पार्टी के लिए वोट करते हैं, कैंडिडेट्स के लिए वोट नहीं करते हैं। एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स, एवरी जिसको जितने भी परसेंटेज में वोट मिलते हैं उसको उतनी सीटें दे दी जाती है गवर्नमेंट में। कैंडिडेट्स हु और एफपीटीपी में क्या होता है, जिसको मेजोरिटी में वोट मिले बस उसी की गवर्नमेंट है, और सबके जो वोट होते हैं वो क्या कहते हैं, खराब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स, वही भाई जिसको मेजोरिटी में वो विन हो जाता है। एग्जाम्पल्स इजराइल इन एंड नीदरलैंड, इसका जैसे मैं बार बार आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ इजराइल का, और ये आपकी बुक में भी दिया गया है इजराइल का एग्जाम्पल, इजराइल एंड नीदरलैंड इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इजराइल। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद स्टूडेंट।